जटाटवी गलज्वल प्रवाह पाविधस्थले गले वलम्बलम्बितं भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निडाडवड्डमर्वयम् चकारचण्डतानवं तनूदिना शिवा शिवम्। ओम नमो नारायणा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय बजरंगबली भगवान। देखिए, जब भी आप ध्यान करने बैठते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि आप मंत्र जप कर रहे होते हैं और आपका ध्यान लगने लगता है। ध्यान एक ऐसी अवस्था होती है जिस अवस्था में मन के विचार शून्य होने लगते हैं, मन के विकारों का धीरे धीरे करके अंत होने लगता है। कई बार ये देखा गया है कि जैसे आप लगातार जब मंत्रों का जप करते हैं, मानसिक जप करते हैं, तो मानसिक जप में धीरे धीरे करके आपका ध्यान लगने लगता है। कभी कभी आपने इस बात को महसूस भी किया होगा कि आप काफ़ी देर तक ऐसे बैठे रहे जैसे आप सो गए हो, लेकिन आपका शरीर हिला नहीं बिल्कुल भी। आप एक बिंदु पे केंद्रित होकर आपके विचारों का अंत हो गया होगा और आप एक ध्यान की अवस्था में पहुंच गए होंगे। तो जब ध्यान लगने लगता है तो ऐसा क्या होने लगता है, क्या हमारे अंदर बदलाव होने लगते हैं, क्या हमें संकेत मिलने लगते हैं? देखिए, जब मंत्र जप करते हैं तो मंत्र जप एक अलग अवस्था होती है, ध्यान एक अलग अवस्था होती है। मंत्र जप में हम मंत्र पे ध्यान देते हैं, मंत्र से संबंधित जो देवी देवता होते हैं उन पे ध्यान देते हैं, उनको केंद्रित करते हैं अपने आज्ञा चक्र पे, उसके बाद हम उनके मंत्रों का जप करते हैं। क्योंकि हम पूरा जो केंद्रीकरण होता है अपने शरीर का, अपने दिमाग का, अपने ऊर्जा का, अपने अवचेतन मन का, वो सब उन्हीं देवी देवताओं को ही देना चाहते हैं। लेकिन जब हम ध्यान की अवस्था में जाते हैं तो ध्यान की अवस्था वो अवस्था होती है जिसमें विचार शून्य हो जाते हैं। विचार शून्य हो जाएंगे, आपको एक ऐसे एहसास का अनुभव होगा जो आपने पहले कभी नहीं किया होगा। और जब आप ध्यान से उठेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितना समय निकल गया। आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे अभी 5 मिनट पहले ही आप बैठे थे और पता लगा घंटा भर आपने निकाल दिया ध्यान में। तो ध्यान में जब इंसान जाने लगता है तो उसके साथ में बहुत सारी घटनाएं होने लगती हैं। पहला तो यही होता है कि जब वो ध्यान में जाता है तो उसे समय का एहसास नहीं होता। जैसे अभी हमने बताया, जैसे आप ध्यान में बैठे और आपने ध्यान शुरू किया, आपका ध्यान लग भी गया, तो क्या होगा, आधा घंटा हो जाएगा। जब आप ध्यान से टूटेंगे, आपके ध्यान टूटेगा, तो आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि अभी 2-4 मिनट 5 मिनट हुए हैं। तो समय का पता नहीं चलता है जब ध्यान लगने लगता है इंसान का। जब ध्यान लगने लगता है तो आपकी सुषुम्ना नाड़ी चलने लगती है, और सुषुम्ना नाड़ी जब चलती है तो ही आपका ध्यान लगता है। सही कहें, सही शब्दों में अगर उसकी व्याख्या की जाए तो सुषुम्ना नाड़ी के चलने का स्तर जो होता है वो ध्यान में ही आता है। जब वो नाड़ी चलती है, अगर आप उस समय ध्यान करने बैठते हैं तो बहुत जल्दी ही ध्यान की अवस्था में पहुंच जाते हैं, बहुत जल्दी ही आपका ध्यान लग जाता है। इसीलिए कहते हैं, आपने सुना भी होगा कि ध्यान जो है सुबह सुबह सूर्योदय से पहले करना चाहिए। सूर्योदय होने से आधे घंटे पहले तक आपकी सुषुम्ना नाड़ी चलती रहती है, तो उस समय आप ध्यान कर सकते हैं। सुबह 4:30 बजे के बाद में, जब तक सूर्योदय नहीं होता है तब तक आप ध्यान की अवस्था में बैठ सकते हैं। आपका ध्यान बहुत तेज़ी से लग जाएगा क्योंकि वो समय होता है जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही होती है। देखिए, आपकी 3 नाड़ियाँ मुख्य रूप से कार्य करती हैं। पहली एड़ा नाड़ी होती है, दूसरी पिंगला नाड़ी होती है, तीसरी सुषुम्ना नाड़ी होती है। एड़ा नाड़ी आपकी जो बाएं नाक से जो हवा निकलती है उसे एड़ा नाड़ी कहते हैं। जब आपकी दाहिने नाक से हवा निकलती है तो उसे पिंगला नाड़ी कहते हैं। और जब दोनों नाक से हवा निकलती है, दोनों से बराबर हवा निकलती है, उसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। तो जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही होती है उस समय जब अगर आप ध्यान में जाते हैं तो बहुत जल्दी ही ध्यान की अवस्था में पहुंच जाते हैं। जो सुषुम्ना नाड़ी होती है वो आपको ध्यान में बहुत तेज़ी से ले जाती है। वो एक ऐसी अवस्था होती है जब शरीर का बैलेंसिंग, आप कह सकते हैं कि आपका शरीर पूरा बैलेंस हो गया। आपने देखा भी होगा जब आप ध्यान करने बैठे तो आप अपनी कमर को एकदम स्ट्रेट रखते हैं, सीधा रखते हैं,
जब आपका बायां स्वर चल रहा होता है तो उसे चंद्र नाड़ी भी कहते हैं, आपका दायां स्वर चल रहा होता है तो उसे सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। सूर्य नाड़ी में बहुत ही मेहनत वाले कार्य किए जाते हैं, खाना खाना हो गया, परिश्रम करना हो गया, एक्सरसाइज करना हो गया, सूर्य नाड़ी में किए जाते हैं। चंद्र नाड़ी में विश्राम वाले काम किए जाते हैं, सोचने वाले काम किए जाते हैं, कुछ आप सोच रहे हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, इस तरह से ध्यान लगाना चाहते हैं, पूजा पाठ करना चाहते हैं, तो आप चंद्र नाड़ी में कर सकते हैं। चंद्र नाड़ी शरीर को शीतलता प्रदान करती है, जबकि सूर्य नाड़ी आपके शरीर को गर्म करती है। इसीलिए कहते हैं जब आपका सूर्य नाड़ी चल रहा हो तो ही आप खाना खाएंगे, तो आपके खाने का पाचन बहुत अच्छे से होगा। तो जब आप ध्यान करने लगते हैं तो आपके आज्ञा चक्र पे आपको कुछ हलचल सी भी महसूस होने लगती है। जब आप ध्यान की अवस्था में जाते हैं तो आपके आज्ञा चक्र पे हलचल महसूस होना शुरू हो जाती है, आपको ऐसा लगने लगेगा जैसे कि कोई चीज़ वहाँ पे रेंग रही हो, इस तरह से आपको वहाँ पे महसूस होने लगता है, ऐसा लगेगा जैसे वो अंग फड़क सा रहा है, वहाँ पे आपको इस तरह से महसूस होगा। आज्ञा चक्र जहाँ पे महिलाएं बिंदी लगाती है उसे आज्ञा चक्र कहते हैं। इसी तरह से जब आप आज्ञा चक्र पे ध्यान देना शुरू करेंगे ध्यान की अवस्था में, तो आप देखेंगे कि आपको वहाँ पे तरह तरह के प्रकाश दिखना शुरू हो जाते हैं। तरह तरह के प्रकाश दिखेंगे, जैसे कभी आपको नीला प्रकाश दिख जाए, कभी आपको ऐसा लगेगा कोई छोटी सी बिंदी पीले कलर की जल रही है और वो आपके करीब आती जा रही है, कभी आपको ऐसा एहसास होगा कि कोई सफ़ेद रंग की गोली आपसे दूर जा रही है, आपके पास आ रही है। तो तरह तरह के भिन्न भिन्न अनुभव हैं भिन्न भिन्न लोगों के ध्यान की अवस्था में। तो ये ध्यान का ही असर होता है जब आपको इस तरह से अनुभव प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। ध्यान में जब आप जाना शुरू कर देते हैं तो आपके शरीर की बहुत सारी जो बीमारियाँ होती हैं वो दूर होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जब भी आप ध्यान की अवस्था में जाते हैं और आपका ध्यान लगने लगता है तो वो एक ऐसी अवस्था होती है जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी चलने लगती है। वो नाड़ी जब चलती है आपकी तो आपके जो चक्र होते हैं कुंडलिनी के वो जागृत होना शुरू हो जाते हैं, वो एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं, उन सभी में एनर्जी आना शुरू हो जाती है। और आप जानते हैं कि हर चक्र से कोई ना कोई बीमारी जुड़ी होती है, हर चक्र किसी ना किसी ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, हर चक्र से बहुत बहुत सारे मंत्र जुड़े होते हैं, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके एक्टिवेट होना शुरू हो जाती हैं। जब आप ध्यान की अवस्था में जाएंगे आपका चक्र एक्टिवेट हो जाएंगे, आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट होने शुरू हो जाएगी, तो आपके अंदर जो बीमारियां होंगी, आपके अंदर जो विकार होंगे वो धीरे धीरे करके ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। आपने देखा भी होगा लोग सुझाव देते हैं मेडिटेशन करो, आपका ये ठीक हो जाएगा, आपका वो ठीक हो जाएगा, आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं ध्यान लगने के बाद इन्हीं चक्रों के एक्टिवेट होने के कारण होता है। यहाँ पे ध्यान की अवस्था जो है वो एक तरह से आपको अध्यात्म के रूप में बताया जा रहा है। यहाँ पे इस रूप में नहीं बताया जा रहा कि आप सुबह उठो और बिना नहाए धोए बैठ गए और आँख में ध्यान लगा लिया। ध्यान लगाने का अर्थ है यहाँ पे आप थोड़ा सा पवित्र होके बैठो, फ्रेश हो जाओ, नहा धो लो, अपने आप को पवित्र कर लो, उसके बाद ध्यान में बैठो, आसन लगा लो, फिर ध्यान में बैठो। तो आप ध्यान भी लगाएंगे साथ साथ अध्यात्म से भी जुड़ते जाएंगे। तो आपको आध्यात्मिक राह को नहीं छोड़ना है, आध्यात्मिक राह से जुड़े रहना है, क्योंकि ध्यान ही कहीं ना कहीं एक ऐसी अवस्था है जो आपको तुरंत आपके इष्ट देव से कनेक्ट कर देगा। ध्यान ही वो एक ऐसी अवस्था है जो तुरंत कहीं ना कहीं आपके देवी देवताओं से आपको कनेक्ट कर देगा, आपको आपके मंत्र से कनेक्ट कर देगा, आपको उस ऊर्जा से कनेक्ट कर देगा जिस ऊर्जा से आप जुड़ना चाहते हैं। आशा है छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।